झारखंड के वो 5 आईएएस जिन पर करोड़ों के हेरफेर का आरोप, सीएम हेमंत पर आफत। आमतौर पर भारत के ब्यूरोक्रेसी को आयरन चेस्ट कहा जाता है। सरकार चाहे जिस पार्टी की रही हो, ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं जिनके सिग्नेचर से करोड़ों अरबों के फंड का खेल होता है। नाली से लेकर गली और सड़क से लेकर पानी तक इन्हीं के फरमान आप तक पहुंचता है। किसी भी सरकार की छवि बनाने और बिगाड़ने में इनका बड़ा रोल होता है। एक परीक्षा पास कर रिटायरमेंट तक के लिए इतना पावर मिल जाता है, कभी कभी तो इनको लगता है कि अपुनिश भगवान है। इसके बाद शुरू होती है 5 साल के लिए चुनी हुई सरकार की मुसीबत। झारखंड के 5 ऐसे आईएएस अधिकारियों को जानिए जिन पर करप्शन की तलवार लटक रही है। पूजा सिंघल। साल 2000 में 21 वर्ष की उम्र में पूजा सिंघल आईएएस बनी थी। जब लंबित हुई तो झारखंड के खनन और उद्योग विभाग के सचिव पद पर पोस्टेड थी। इन पर आरोप है खूंटी जिले की उपायुक्त रहते 18 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला किया। साहिबगंज में हुए अवैध पत्थर खनन में भी शामिल होने का आरोप है। फिलहाल ये रांची के जेल में बंद है। राजीव अरुण एक्का। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का 1994 बैच के आईएएस हैं। इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आरोप है नेताओं और नौकरशाहों के काले धन के निवेशक विशाल चौधरी से काफी घनिष्ठ संबंध हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें ये सरकारी फाइलें विशाल चौधरी के घर पर निपटाते देखे गए। ईडी छापेमारी कर चुकी है। प्रदीप कुमार। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार जेल की हवा खा चुके हैं। फिलहाल जमानत पर रिटायर हो चुके हैं। इन पर आरोप है स्वास्थ्य सचिव रहते हुए 130 करोड़ का दवा घोटाला किया। करीब 2.25 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का भी इन पर इल्जाम है। छवि रंजन। नौजवान आईएएस अधिकारी छवि रंजन जमीन घोटाले में फंसे हैं। आरोप है इन्होंने रांची के डीसी रहते हुए करमटोली में सेना की 4.55 एकड़ जमीन को गलत तरीके से बेच दिया। कई जमीनों की रजिस्ट्री उसके म्यूटेशन में गलत तरीके से कराने का इल्जाम है। दूसरे गार में यूपीएससी कंप्लीट करने वाले छवि रंजन अब जांच एजेंसियों का सामना कर रहे हैं। विनय चौबे। 1999 बैच के आईएएस अधिकारी विनय चौबे से शराब घोटाले के मामले में रायपुर में पूछताछ हुई। ईडी ने झारखंड के उत्पाद सचिव और बेवरेज कॉरपोरेशन के एमडी विनय चौबे को बुलाया था। झारखंड की नई शराब नीति के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाया गया था जिसमें सीएसएमसीएल को परामर्श नियुक्त किया गया था। कारोबार करने की वजह से झारखंड सरकार को भारी राजस्व का घाटा हुआ।